हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर में एक निबंध करेंगे, मेरा प्रिय नेता। यहाँ पर हम महात्मा गांधी जी के बारे में बताएंगे। आप कोई भी अपना प्रिय नेता उसके बारे में लिख सकते हैं, पर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, वो कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, क्या किया। बहुत सारे हमारे देश में नेता हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे लगते होंगे। तो यहाँ हम आज पढ़ेंगे मेरा प्रिय नेता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को देखते ही सबको पता चल जाता है ये महात्मा गांधी हैं, क्योंकि जहाँ पर भी इनका ये चित्र दिखाया जाता है तो सभी पहचान जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको पढ़ा रहे हैं इस निबंध में, आपने वैसा ही ध्यान से पढ़ना है और लिखना है। महात्मा गांधी देश के महान नेता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्मदिन हम मनाते हैं, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, और पूरे राष्ट्र के अंदर उस दिन अवकाश होता है। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। जैसे आप बादली में रहते हो, तो बादली कहाँ पर है? दिल्ली में। तो यहाँ पोरबंदर जो स्थान था वो कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात एक राज्य है, उसके अंदर ये स्थान जो पोरबंदर का है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम पुतली बाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। गुजरात में बच्चों के नाम के साथ पिता का नाम भी लगता है, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोहनदास था, ठीक है? तो उनका फिर पूरा नाम कैसे बताते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी जो है असल में इनके पिता का नाम था। गांधी जी का पूरा नाम देखो, आगे फिर वही आ गया। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में ही हुई। प्रारंभिक मीन्स शुरू में। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहां से वह बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके भारत वापस लौटे। भारत लौटकर उन्होंने मुंबई में वकालत प्रारंभ कर दी। उसके बाद उन्होंने भारत की आजादी के लिए घोर संघर्ष किया व उन्होंने कई आंदोलन चलाए। अंततः 15 अगस्त सन 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इतना ही है निबंध कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उनके माता पिता का नाम और उनका पूरा नाम, फिर उनकी पत्नी का नाम, जिससे विवाह हुआ तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। तो कस्तूरबा गांधी। तो उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, क्या बने? बैरिस्टर। बैरिस्टर क्या होता है पता है? आजकल एक सीरियल भी आ रहा है बैरिस्टर बाबू। तो बैरिस्टर कहते हैं वकील को। तो उन्होंने वकालत की मुंबई में वापिस आकर। तो हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो उस दिवस दिन को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 30 जनवरी को। तो ये आपका निबंध है महात्मा गांधी के बारे में। तो आप सब बच्चे बहुत ध्यान से लिखेंगे और साथ में याद भी कर लेंगे। ओके, बाय।